नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा भाई, देखिए रीजनिंग की सीरीज की आज पांचवी क्लास है। जैसा कि आपको पता है, चार क्लास आपने देखी होगी, आई हो, ठीक है। नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और ये सीरीज आपकी लगातार चलेगी एग्जाम तक, ठीक है भाई। तो सभी सीरीज का अच्छे से रिवीजन करिए। इसमें अभी टू में टाइप टू टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे हम मिक्सअप क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसमें भी बहुत सारे मिक्सअप सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, आज की क्लास में हम पासे वाले सवाल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये होता है बंद पासा, जैसा कि आपके सामने है। एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला पासा। खुले पासे में क्वेश्चन मेरे भाई इस प्रकार से आता है कि यदि इस पासे को फोल्ड करें तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। आपके जीडी के एग्जाम में खुले पासे से और बंद पासे से, दोनों पासों से सवाल आते हैं। यदि आप पेपर लगाओगे, प्रीवियस पेपर लगाओगे, तो आपको क्वेश्चन खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, आपको बनाना आना चाहिए भाई। तो उन सवालों पर हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक अच्छी सी बात सवाल चालू करने से पहले, कि पासे की क्लास इसी चैनल पे एक फुल वीडियो डाल रखी है ना। अगर जिसने पहले कभी पासा नहीं पढ़ा है, वो उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो उसका पासा बहुत अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और इस क्लास में हम पासे के सवालों का रिविजन करेंगे और मैं थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें भी आपको बता दूंगा, क्योंकि हम SSC GD को ले रहे हैं और GD के पेपर में ये पासा आता ही आता है, ठीक है भाई। चलो कुछ काम की बात समझिएगा, फिर हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सामान्य पासा और एक लिखा है मानक पासा। भाई मैं आपको बता दूं, पासा जो होता है, पासे में छह फलक होती है। कितनी फलक होती है? छह फलक होती है, आठ कोने होते हैं, आठ कोने होते हैं और 12 लाइंस होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं किनारे। बारे क्या होती है? लाइंस होती है। अब पासे में फलक छह होती है, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती है? तो मेरे भाई तीन फलक हमें दिखाई देती है। कितनी फलक दिखाई देती है? तीन, ठीक है। छह फलक होती है, एक दो तीन चार पांच छह, ओके भाई। डिटेल वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है, अभी हम सवाल के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा। देखो भाई, सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसकी आपसी दो सतह का योग सात हो। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, स से सामान्य और स से सात, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। स से सामान्य और स से सात, यानी कि जिसकी आपसी किन्हीं भी दो सतह का योग सात हो, किन्हीं भी दो सतह का योग सात हो, वह सामान्य पासा होता है, ठीक है। तो सर मानक पासे की डेफिनेशन, आपसी सतह का योग सात ना हो वह मानक पासा होता है। आपसी सतह का योग सात ना हो वह मानक पासा होता है। आप देखिएगा, चार और तीन सात होता है, अर्थात ये क्या है? सामान्य पासा है। दो फलक का योग सात होगा, सबको जोड़ के सात मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ किसी से भी दो फलक को जोड़ के सात नहीं बनेगा, अर्थात ये कौन सा पासा है? तो मानक पासा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, मानक पासे में पता है क्या होता है? विपरीत फलक का योग सात होता है। विपरीत फलक का योग कितना होता है? सात होता है। यानी अगर मैं आपसे मानक पासे में किसी का भी विपरीत पूछूं, तो आप सात में घटा के आंसर दे सकते हैं। मानक पासे में जब मैं किसी का भी विपरीत पूछूं, तो आप सात में घटा के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं एक का विपरीत, तो सात में से एक गया छह। अगर मैं तीन का विपरीत पूछूं, तो सात में से तीन गए चार। अगर मैं दो का विपरीत पूछूं, तो सात में से दो गए तो कितना? पांच। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि विपरीत सात हो, सात हो भी सकता है, सात ना भी हो। इसके डेफिनेशन मैंने क्या बोली? आपसी सतह का योग सात हो, सामान्य पासा। आपसी सतह का योग सात ना हो, मानक पासा, ठीक है मेरे भाई। मानक पासे में विपरीत सतह का योग कितना होता है? सात होता है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। जैसे कि आपके सामने मैंने एक छोटा सा पासा लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके पहले मैं आपके सामने ये पासा बताता हूं। अब आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पासा है। देखिएगा, आपसी सतह का योग सात दिख रहा है क्या भाई? हमें तो नहीं दिख रहा। आपसी सतह का योग सात नहीं है, मतलब ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत सतह का योग सात होता है, विपरीत फलक का योग सात होता है। तो मुझे चार का विपरीत चाहिए, तो सात में से चार घटा देंगे, तीन आंसर हो जाएगा, खेल खत्म।
क्या आंसर हो जाएगा? 3। 4 का चाहिए तो 7 में से 4 घटा दो, 5 चाहिए तो 5 में से 7 में से 5 घटा दो, और 1 चाहिए तो 7 में से 1 घटा दो, अभिप्रेत आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा पासा है मेरे भाई, तो हमारा सीधा जवाब होगा 6 और 1 7, मतलब सर आपसी सतह का योग 7 है, यानी ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। अब देखिएगा काम की बात, सामान्य पासा है तो इसमें भी वैसा काम मत करना कि 7 में से घटा के आंसर दे दो। गधा घोड़ा में फर्क होता है भाई, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो 7 में से मत घटाइएगा, ये सामान्य पासा है। अब ये बताइए, अभी मैंने बताया था कि पासे में फलक कितनी होती है, पासे में फलक कितनी होती है, तो पासे में 6 फलक होती है। कितनी? 6 फलक। और देखो मेरे भाई, इस पासे में 5 6 1 लिखा है, ध्यान रखना आपसे 1 का विपरीत पूछा है, और कभी भी विपरीत फलक 7 में नहीं होती। अगर 6 का विपरीत 1 है मतलब गलत, क्योंकि 2 ही विपरीत फलक है तो 7 में क्या कर रही है? अगर विपरीत फलक होगी तो पड़ोस में नहीं बैठेगी, ध्यान रखिएगा, विपरीत फलक कभी भी 7 में नहीं होती। तो मैं आपसे पूछूं क्या 1 का विपरीत 1 होगा? नहीं। मैं पूछूं क्या 1 का विपरीत 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विपरीत फलक 7 में नहीं होती, तो 5 भी विपरीत नहीं होगा। तो फिर 1 का विपरीत कौन होगा? तो या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो हम लगाएंगे या की कंडीशन में आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझे मेरे भाई दोनों क्वेश्चन को? जैसे आप देख रहे होंगे इसमें या की कंडीशन में आंसर आया क्योंकि सामान्य पासा था, उसमें हम डायरेक्ट 7 में से घटा दिए क्योंकि मानक पासा था। तो ये एक एक पासे मैंने आपको क्लियर करके बता दिए हैं। अब हम चलते हैं दो पासों की ओर। लो भाया, आपको एक और मेन बात बताता हूं मैं, फिर हम सवाल करना है, धनाधन सवाल ही उड़ाना है। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि सामान्य के साथ अगर सामान्य पासा है तो तुलना हो जाती है, ठीक है। सामान्य के साथ मानक पासा है तो तुलना हो जाती है, पर मानक मनक की तुलना नहीं होती है, याद रखना, मानक की तुलना नहीं होती है। सामान्य सामान्य की तुलना हो जाती है, सामान्य मानक की तुलना हो जाती है, मानक मानक की तुलना नहीं करते हैं। कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं गुड्डू, लेकिन डायरेक्ट आंसर आ जाता है तो कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है, चलिएगा। और सिस्टमेटिक मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, अब जो पहली बार पढ़ रहा है तरीका समझ लीजिएगा, है ना, या ना डिटेल वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछा है, अब मुझे बताइए 5 और 2 7, ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। अब सामान्य के साथ सामान्य भी चलेगा, सामान्य के साथ मानक भी चलेगा, मनक मनक नहीं चलेगा, वह डायरेक्ट 7 में से घटा के आंसर दे देंगे। 2 का विपरीत पूछा है, क्या 3 और 5 कटेगा? क्या 2 का विपरीत चाहिए? 3 और 5 कटेगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 नहीं कट रहा है। तो देखो दूसरा तरीका समझना, आपको इन दोनों में कोई कॉमन देखना है, कॉमन कॉमन कौन है? 5। इधर भी देखो कौन है? 5। तो हम दक्षिणावर्त चलेंगे, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में। तो मेरे भाई 5 है, 5 के बाद लिखिए 2 और 2 के बाद लिखिए 3। भैया घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है ना, कि यूं यूं चलती है, समझे? घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। यहां 5 से शुरू किए हैं तो वहां भी 5 से ही शुरू करेंगे। तो चलिए 5 6 4, तो ये 5, ये 6 और ये 4। लो भैया, किसका विपरीत पूछा था? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 6 6 का विपरीत 2, काम खत्म, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा मैं पूछूं 3 का विपरीत 4, और कोई पूछ ले 5 का विपरीत, तो भाई एक पासे में 6 फलक होती है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कौन नहीं आया? 1। तो 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, अब हमें बताइए 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, तो देखो 6 और 1 7, ये सामान्य पासा है, और सामान्य पासे के साथ तुलना हो जाएगी, 7 में से घटाने की आवश्यकता नहीं है।
एक और तीन कटता है का, एक कट जाएगा तीन नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कैंसल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कॉमन देख लीजिए, मुझे यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है। तो दक्षिणावर्त चलेंगे घड़ी की दिशा में और कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, एक तीन छह, ये मैंने लिख दिया दक्षिणावर्त। किस प्रकार से, एक तीन और छह, इधर देखिएगा एक पांच दो, तो ये एक, ये पांच और ये दो, तो भाई हमें किसका पूछा था, छह का विपरीत आंसर होगा दो, तीन का पूछे पांच, एक का विपरीत बचा कुचा चार, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन का विपरीत बताइए, तीन का विपरीत, तीन का विपरीत। अच्छा एक और बात सुन लीजिए यहां पे, जैसे मान लीजिए ये भी मानक पासा होता, ये भी मानक पासा होता, अभी ये सामान्य है, देखो पांच और दो सात सामान्य, छह और एक सात सामान्य, इससे तुलना हो जाएगी, ये आप ही कर लीजिएगा, इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए अगर ये दोनों पासे मानक मानक होते तो आपको मानक मानक में कोई कॉमन या कॉमनी नहीं देखना है, आप क्या करिएगा, जब भी मानक मानक पासा है तो तुलना नहीं करिएगा, सात में से घटा दीजिएगा जिसका विपरीत पूछा है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार के सामने क्या होगा अर्थात चार का विपरीत क्या होगा। देखो भाई चार का विपरीत है तो दो और तीन कैंसिल होता है का, इसमें दो तीन नहीं है बट इसमें दो तीन है, तो दो तीन से दो तीन कैंसिल, चार का विपरीत एक और एक का विपरीत चार, आंसर हो जाएगा चार का विपरीत एक। सही होने की वजह जानते हैं आप लोग, सही होने की वजह यह है कि इन दोनों में से एक सामान्य पासा हो गई होगा, देखिए है कि नहीं, तभी आप सही हैं। देखो चार और तीन सात, एक सामान्य है, सामान्य सामान्य की तुलना हो जाती है, सामान्य मानक की तुलना हो जाती है, मानक मानक की नहीं करते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, धना धन धुआ धार, दू का विपरीत, दू का विपरीत, देखो भाई दू का विपरीत चाहिए, यहां दू दिख रहा है, दिमाग लगाइए, चार और एक को खत्म करो कैसे भी करके, ये चार और एक, ऐसा मत करना चार इसमें काट दिए एक इसमें काट दिए, दो का विपरीत छह हो जाएगा, छह का विपरीत दो हो जाएगा, अभी पूछा है दो का विपरीत, आंसर दे देंगे छह गुड्डू। अच्छा ये बताइए जहां मैं काटा हूं उसमें कोई सामान्य है कि नहीं, वरना गलत हो जाएगा कुछ है, देखिएगा इसमें तो कोई सामान्य, ये मत करना चार दो छह और एक साथ, ऐसा नहीं, दो फलक जोड़ के होनी चाहिए साथ, ये देखो एक सामान्य पासा है, बेफिक्र हो जाइए आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक और तीन के विपरीत बताइए, तीन के विपरीत तुलना करो तो कोई भी एक सामान्य पासा ले लेना, हो जाएगा काम। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर छह और एक कट जाए तो तीन का विपरीत आ जाए, छह और एक कट रहा है का, नहीं कट रहा है, अब बताइए पांच और एक कट जाए तो भी काम हो जाए, पांच और एक भी नहीं कट ही रहा, अब क्या करें, दो और छह कट जाए, दो इसमें छह इसमें, ऐसे नहीं काट सकते भाई। तो देखो मैं तो भाई इस पासे के साथ किसी पासे को उठा लेता हूं, ठीक है इसको ले लेता हूं, कुछ कॉमन है क्या इसमें, है ही नहीं, इसको ले लेता हूं, तीन एक से तीन एक कैंसल, छह का विपरीत पांच हो जाएगा, नहीं मतलब, चलो किसको लें भाई जल्दी देखिए। तो देखिए इसको तो ऐसे ही खत्म करना ही पड़ेगा, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि तीन छह से तीन छह खत्म तो दो का विपरीत एक, सही है क्या, दो का विपरीत एक आ जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं, देखिए तीन एक से तीन एक कैंसल तो छह का विपरीत पांच, छह का विपरीत पांच, तो भैया आप तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि एक को दो ले गया छह को पांच ले गया तो तीन जो बचा है वो किसको ले जाएगा, चार को, और ये आंसर हो जाएगा तीन का विपरीत, अरे कहां जा रहा है, तीन का विपरीत हो जाएगा चार, खत्म। कॉमन लेके देख लीजिएगा, कैंसल करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब मैं आपको ले आता हूं खुले पासे पे। पासा ये है खुला यानी ओपन डाइस। छह फलक दिखाई देगी आपको, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये भी पूछ सकता है कौन किसका विपरीत है गुड्डू, और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि जब पासे को फोल्ड करेंगे तो कौन कौन सा पासा बनेगा, या कौन सा नहीं बनेगा, या कौन सा बनेगा। चलिएगा देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको आता होगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक छोड़कर एक अंक विपरीत होता है, ठीक है, पड़ोसी विपरीत नहीं होता। यहाँ पे जैसे मैं बोलू 2 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6, हमेशा वो पहले देखिएगा जो आपको सरल लग रहे हो। मुसीबत मोल मत लेना, 5 से 3 में 5 से 6 करने की आवश्यकता नहीं है। 2 का विपरीत मुझे दिख रहा है 4, तो भाई साहब हमें 1 का दिख रहा है 6, ठीक है। तो बचा कुचा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, सही है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा यहां देखिए मौखिक, एफ का विपरीत बी, ई का विपरीत सी, तो ए का विपरीत डी। क्लियर है? नहीं समझ आया हो तो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लो भैया फतेह की बात, फतेह की बात। अब देखो दोस्तों, ये पासा है क्वेश्चन, गुड्डू अभी मैंने लिखा नहीं है पूरा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आया और हमसे पूछेगा कि जब इसको पैक करें, जब इसको फोल्ड करें, तो कौन कौन सा पासा बनेगा, कौन कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। वहां ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, सभी बनेंगे, केवल ए, केवल बी, सी डी डी बनेगा, इस प्रकार से टाइप सीखते हैं। क्वेश्चन आप बुला लेना। अच्छा भाई, मैं पूछूं एफ का विपरीत, आप बोलोगे बी, मैं पूछूं ई का विपरीत, हम कहेंगे सी, और बाबू ए का विपरीत क्या होगा, तो डी होगा। आपको पता होगा विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होती है, विपरीत फलक साथ में नहीं होती है, तो ये पासा तो गलत। क्यों सर, क्यों गलत है? क्योंकि दोस्त एफ के साथ बी है, बल्कि यहां तो एफ का विपरीत बी है, ठीक है। तो ये गलत होगा क्या, ई के साथ सी, एफ के साथ डी, ये बन जाएगा, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो सी नहीं दिख रहा है, डी के साथ ए नहीं दिख रहा है, एफ के साथ बी नहीं दिख रहा है, उधर देखिए वो गलत होगा कि सही होगा, तो ई ये गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि मुझे यहाँ ई का विपरीत सी दिख रहा है और ई के पड़ोस में सी बैठा है, तो वो गलत हो जाएगा। चौथे वाले को चेक करिएगा, ये भी गलत है दोस्त, क्योंकि ए और डी तुम क्या कर रहे हो रे साथ में है, ए का विपरीत डी और डी का विपरीत ए, विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होती। तो यहां हम आंसर देंगे कि यदि इसे फोल्ड किया जाए तो केवल और केवल दूसरा पासा बनेगा आंसर। ठीक है भाई, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, और समझ जाओगे। देखो भाई, कभी कभी ये भी बोल देता है कौन सा नहीं बनेगा, है ना भैया, तो आपको लगाना है कि दूसरे को छोड़ के सभी नहीं बनेंगे, इस प्रकार से। चलिएगा, 4 का विपरीत का है 2, 1 का विपरीत 5, और मेरे भाई ये 3 का विपरीत 6, ये अपोजिट निकाल ली खुले पासे में से। जल्दी से बताइए पहला पासा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पहला वाला तो बन जाएगा। दूसरे वाले पर नजर रखिए, 4 का 2 6 का 3 5 का, ये भी बन जाएगा, है ना, देखिएगा आप भी चेक करिएगा। तीसरा वाला देखो, विपरीत फलक कभी साथ में तो नहीं है, तीसरे वाले में विपरीत फलक साथ में तो नहीं है, नहीं है, ये भी बन जाएगा। ये वाला ये नहीं बनेगा, क्योंकि भाई 3 और 6 साथ में दिख रहा है, बल्कि 3 का विपरीत 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसे फोल्ड करें तो चौथा वाला नहीं बनेगा। अगर पूछे कौन कौन सा बनेगा, तो पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, आंसर होगा ए बी सी, ठीक है भाई। मजे आ गए, आ गया वो सवाल, एक और हमारा भाई ई रहा। अब देखो दोस्त, इसके अंदर जो सवाल है, अब यहां हम देखें ये डॉलर का जो विपरीत होगा भाई, वो डॉलर का हो जाएगा एट द रेट, ठीक है। ये जो स्टार दिख रहा है आपको पत्ती जैसा, इस पत्ती का हो जाएगा एंड, और ये जो हैशटैग है इसका हो जाएगा परसेंटेज। अब क्वेश्चन है कि डब्बे में मोड़ने पे आकृति कैसी दिखेगी, ये हमें देखना है, तो अब देखते हैं कौन कौन सा गलत है।
पहला वाला पहली फुर्सत में गलत हो जाएगा क्योंकि डॉलर के साथ एट द रेट है, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार के साथ एंड है, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा दोस्त क्योंकि परसेंटेज के साथ स्ट्रेक है, चौथा वाला भी गलत हो जाएगा क्या डॉलर ये अलग है ये अलग है, चौथा वाला बनेगा, चौथा वाला आंसर होगा भाई परफेक्ट। और आप देखना सीख गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें विपरीत निकालिए और देखिए विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होती है। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए के सम्मुख कौन होगा, सम्मुख मतलब सामने, ए का विपरीत। अल्फाबेट भी दे सकता है, जरूर थोड़ी गिनती देगा हमें, है ए का विपरीत चाहिए ना, ए का विपरीत चाहिए। चलो कोमल ले लेते, इसमें भी के है इसमें भी के है, मैं दक्षिणावर्त लिखता हूं। पहले वाले को देखो के बी ए ले लीजिए, के बी ए, उधर भी चलिए के एम एच, तो लिखो के एम एच, तो भाई ए के सम्मुख कौन होगा, एच होगा, ठीक है ए के सम्मुख कौन होगा, एच होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, दूसरे वाले को लेके करोगे तो भी यही आएगा, आप करके लीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा और मुझे ये बताइएगा जब इसको फोल्ड करें तो कौन कौन सा पासा बनेगा। ठीक है कर लीजिएगा इसको, पर्याप्त है। जो भी मैंने सवाल कराए हैं पूछे गए हैं एग्जाम में, इस टाइप के सवाल बनते हैं, और भी पासे के सवाल है हम आगे करेंगे अगली वीडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइप टू टाइप सवाल वीडियो इस पर हम लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको इस पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, जय हिंद।